क्या आप भी इस तरह का कूल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कि आपके वीडियो का कैरेक्टर जो है उसकी ड्रेस का कलर चेंज हो जाए एंड बिल्कुल रियलिस्टिक आपको लुक दे? तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आना है अपने प्रीमियर प्रो पे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीमियर की स्क्रीन ओपन है। यहाँ से आपको अपनी फुटेज इम्पोर्ट करनी है जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये नाम रखा हुआ है चेंजिंग कलर। इस वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ ड्रैग करके इसका सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ। अब आपको वो पार्ट रखना है जिसमें कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं। जितने पार्ट में आपको कलर चेंज करना है वो सिलेक्ट हो चुका है। देन इसके बाद आपको यहाँ आना है इफेक्ट्स पैनल पे। इफेक्ट्स पैनल अगर आपको यहाँ शो ना हो रहा हो तो ऊपर जो विंडोज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ क्लिक करके यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Shift+7। ओके, इफेक्ट्स पैनल में यहाँ पे आपको सर्च करना है चेंज टू कलर। चेंज टू कलर इफेक्ट को आपको ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है अपनी वीडियो वाली लेयर पे। ओके, देन आपको यहाँ ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आना है। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आप नीचे देखेंगे आपका जो इफेक्ट है चेंज टू कलर, इसमें आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जो ये फ्रॉम वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करके आपको वो कलर सेलेक्ट करना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसे रेड कलर को रिप्लेस करना चाहते हैं। ओके, तो इस आई ड्रॉपर से आपको ये कलर सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको वो कलर सेलेक्ट करना है जिसमें आपको चेंज करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कलर चूज़ करें जो कि रियलिस्टिक लगे, फेक ना लगे और जो कि बिल्कुल कैरेक्टर से मैच हो रहा हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ही क्लिक्स में ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ब्लू कलर। रेड कलर को रिप्लेस करके हमने ब्लू कलर यहाँ अप्लाई किया है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि साथ ही साथ इनकी जो लिपस्टिक है और इनकी चूड़ियाँ है इस पर भी ये कलर अप्लाई हो रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर अप्लाई ना हो, सिर्फ ड्रेस पर अप्लाई हो, तो आप इसे मास्क करेंगे। मैं बताता हूँ किस तरह आपको मास्क करना है। ये जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया चेंज टू कलर, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख जाते हैं। ओवल शेप मिलता है आपको, रेक्टेंगल मिलता है और एक पेन टूल मिलता है। पेन टूल आप सेलेक्ट करेंगे, उस एरिया का सिलेक्शन बनाएंगे जिस एरिया पे आपको ये कलर नहीं चाहिए। देख सकते हैं जिस तरह से मैंने सिलेक्शन बनाया है, तो ये उस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है जहाँ पे मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए। बट जैसे आप देख सकते हैं इसका जो इफेक्ट है आपको उल्टा दिख रहा है। तो आप फिर से आएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे, मास्क की जो लेयर है इसमें यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इन्वर्टेड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे मास्किंग अच्छे से हो जाएगी, जो इफेक्ट है कलर का वो सिर्फ आपको ड्रेस पे दिखाई देगा, फेस पे नहीं। ओके, और ये जो मास्क आपने क्रिएट किया है इस पर आपको की फ्रेम्स ऐड करने होंगे ताकि कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ ये भी मूव करें। तो यहाँ पे मास्क पाथ के पास जो टॉगल एनिमेशन है इस पर आपको क्लिक करना है और फिर फ्रेम बाय फ्रेम आपको आगे आते जाना है और ये ध्यान रखना है कि आपका मास्क कैरेक्टर से बाहर ना जा रहा हो। ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि मास्किंग आपकी पूरी तरह कम्प्लीट ना हो जाए वीडियो के एंड तक। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो इफेक्ट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से अप्लाई हो जाता है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू।